We have furthermore refraction from the spherical surfaces. बेटे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटे, हो सकता है तो ये ऑफ कर दो, ये थोड़ा रिफ्लेक्शन करता है. रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस बेटा, और आप इनको स्फेरिकल सरफेसेस को लेंसेज कहते हैं. कैन एनीवन फ्रॉम योर साइड डिफाइन द टर्म लेंस बेटा? लेंस होता क्या है? हाँ जी, जो आप नहीं, ये नहीं बात में बनी हुई बेटी, ऐसे नहीं आंख में डालते हैं वो लेंस, ऐसे नहीं कहना किसी ने. ये तो आप बताइए गुड़िया, लेंस? ओए नहीं, मिरर और है, लेंस और है. ना 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 ना, मिरर का नहीं नाम लेगा. बैठो, स्टैंड अप. ऑप्टिकल मीडियम तो होता है और वो तो ठीक है, लेकिन बैठिए. यस, बैठ जाओ बेटे. जब आप लेंस का नाम लेते हैं, मिरर का नाम नहीं लेना. मिरर अलग चीज है, लेंस अलग चीज है. किसी स्टूडेंट को अगर आता है तो बताइए, मैं शुरू करूं फिर? ओके बेटा, कहीं पे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा बेटा कि जो लेंस है ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसकी कम से कम एक सरफेस जो है वो जरूर स्फेरिकल होनी चाहिए. कोई भी आप ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लो, जैसे ये सिंपल एक पानी की बॉटल है, ठीक है? ये देखो, ये चारों तरफ से ये इसका जो है कर्वेचर ही है, कर्व सरफेस है, पानी इसके बीच में ट्रांसपेरेंट है. अगर आप पानी के बीच में से देखो दूसरी तरफ, तो आपको जो अदर साइड पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका साइज थोड़ा अलग सा दिखेगा. तो इसको भी आप लेंस, इस पार्ट को जिस पार्ट में आपने पानी डाला हुआ है, लेंस कह सकते हैं. और साइंटिफिकली स्पीकिंग बेटा, लेंस हम उस ट्रांसपेरेंट मीडियम को बोलेंगे जिसकी कम से कम एक सरफेस जरूर स्फेरिकल हो, ज्यादा से ज्यादा जितनी हो जाए अच्छा, वो कोई बुरी बात नहीं. सो आइए लेंस को डिफाइन करें, देन मूव करें आगे बेटा. जो लेंस है बेटा, वी कैन से दैट ए लेंस इज डिफाइंड एज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई बाउंडेड बाई एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस बेटा. कम से कम एक सरफेस जरूर स्फेरिकल हो बेटा, उसको आप लेंस बोल दोगे. यहां प्रेजेंट डिस्कशन में बेटा, हम अपने जो लेंजेस हैं, ये दो टाइप के लेंजेस बेटा मेनली पढ़ते हैं. एक आपके पास, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ये आपका कन्वेक्स लेंस है बेटा और ये आपका कंकेव लेंस है बेटे. कन्वेक्स लेंस आपका बेटे मिडल से थिक होता है और साइड्स पे थिन होता है, और जो कंकेव है ये मिडल में थिन और साइड्स पे थिक होगा. तो ये इनकी पहचान है. सब कुछ करेंगे, आप चिंता क्यों करती हो, स्टेप बाय स्टेप करेंगे. रे डायग्राम, एक मिनट बेटे, रे डायग्राम्स मैं बना रहा हूं पेपर में, वो आपको ए बी सी डी चार रे डायग्राम्स बनाकर दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है. वो जो आपको ए बी सी डी ऑप्शंस है ना, उसमें वो चार डायग्राम्स बना देंगे. वो कहेंगे कि ए वाला ठीक है, बी वाला ठीक है, सी वाला कि डी वाला, राइट? अभी बनाएंगे तभी पता चलेगा ना. तो ये आपका बेटा कन्वेक्स हो गया, ये आपका बेटा कंकेव लेंस हो गया. और बेटे पूछने का तरीका और भी बहुत है, आप वो चिंता छोड़ दीजिए, आप अपने पार्ट पे जो रोल प्ले करना है आप उस पे फोकस करिए. वो एग्जामिनर पूछ लेंगे, वो आप चिंता मत करो, वो आप उनकी बात उनपे छोड़ दो. अब हम बेटे लेंसेज के साथ रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें, जैसे मिरर के साथ हमने रिलेटेड की थी,
आइए एक बार फिर से बेटे फोकस करें इस चीज पे. लेट अस इमेजिन दैट ये आपका कंकेव, सॉरी कन्वेक्स लेंस है. इसको मैं एक्स पॉइंट बोल देता हूँ, इसको बेटे वाई बोल देता हूँ. और डियर चिल्ड्रन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे, आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है. इफ इट इज विजिबल टू यू, ये आप एक स्फेरिकल सर्फिस देख रहे हो. और ऐसे ही अगर आपको ये विजिबल हो तो आप एक स्फेरिकल सर्फिस देख पा रहे हो. तो बच्चों ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, इसका इस स्फीयर का ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया. आपके लेंस का बिल्कुल सेंटर ये हो गया लेंस के. अच्छा बेटे मिरर के सेंटर को हमने पोल बोला था, जो लेंस का सेंटर है इसको बेटे ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे. इस चीज का आपने ध्यान रखना है. और आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर एक स्फेरिकल सरफेस का, देन बेटे ऑप्टिकल सेंटर, देन दूसरे स्फेरिकल सरफेस का ऑप्टिकल सेंटर जो है इनको ज्वाइन करके लाइन बना दी. ये जो लाइन बन गई है दिस इज कॉल्ड बेटा प्रिंसिपल एक्सिस. बेटा इस लाइन में आप इस सेंट्रल पॉइंट को ओ बोला करते हो. ये आपका फोकस होगा, ये भी फोकस है, ये आपका ट्वाइस एफ, ये आपका ट्वाइस एफ. सी भी बोल सकते हो आप, जैसे सी बोला ही था आपने. फोकल लेंथ से डबल वाला डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको आप बोला करते हो. हमें रेडियस की यहाँ पे जरूरत नहीं है, दैट इज व्हाई आई हैव इट हैज बीन मार्क्ड एज ट्वाइस एफ. सो इसी डायग्राम को मैं दोबारा फिर से बेटा बना रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार, दैट हाउ वी कैन interpret this particular type of setup in relation to the different type of the parameters or the terminology related to your lenses and as such. Isme ye aapka lens beta ban gaya convex, aur is lens ke bilkul middle mein se pass karti hui line isko aapne bol diya g principal axis, optical center ye ban gaya. Aap isko wo keh sakte ho, ये फोकस, ये सी, इसको ट्वाइस एफ बोल देते हैं लेंसेज के केस में. ऑन दिस साइड दिस इज फोकस, दिस इज बिटे ट्वाइस एफ. इतना डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है. एंड ये आपका लेंस तो चलो आपको पता चल ही गया है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, ये टर्म्स आपके पास बिल्कुल रेडीली अवेलेबल हैं. अगर हम बात करें बेटा कंकेव लेंस की, इट इज बेटा समथिंग लाइक दिस. ये आपका कंकेव लेंस हो गया बेटा, मिडल में से थिन और एजेस पे थिक हो गया. ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस बन गए, फोकस ट्वाइस एफ, फोकस एंड ट्वाइस एफ, और बाकी टर्मिनोलॉजी. हाँ जी पुत्र, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और ठीक कह रही है वो, क्लैपिंग की जरूरत नहीं बेटे, इसकी क्लैपिंग की जरूरत नहीं है. नहीं 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 कोई बात नहीं, बस भाई बस बेटे ध्यान दो, इधर काम की तरफ ध्यान दो. पीरियड हमारे पहले ही कम आते हैं बीच में, फिर अगर वो भी हम ऐसे निकाल देंगे तो फिर हम काम कब करेंगे ना. अब जैसे आपको याद होगा हमने मिरर्स में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी रेज को हम यूज कर सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, वैसे हमें लेंसेज में भी पता होना चाहिए कि कौन तीन वहां पे हमने ड्रॉ की थी, तीन में से कोई दो हम यूज करते थे मिरर केस में इमेज फॉर्मेशन के लिए. तो यहाँ पे आप हेडिंग लिख सकते हो बेटा कि रेज यूज फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ द लेंसेज. बेटा रेज यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज. बेटे आइए वन बाई वन बात करके देखें. ये बच्चों आपका कन्वेक्स लेंस,
एंड कन्वेक्स लेंस में से ये लाइन जो पास कर रही है डियर चिल्ड्रन, और ये आपको ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा, और लेट मी मार्क दीज पॉइंट्स एज सच। अगर कोई रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो ये फोकस में से पास कर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये आप यूज कर सकती हो इमेज फॉर्मेशन में। इसके अगर हम बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंगली कंकेव लेंस ड्रॉ कर लें डियर चिल्ड्रन, तो कंकेव लेंस में आपका ये लेंस आ गया कंकेव, और ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस आ गए एफ एफ टू एफ, इधर मैं नहीं बनाता थोड़ा दूर पड़ जाएगा, ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, इसको कन्वर्जिंग इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, ये भी याद रखें। ठीक है, आपको लगेगा कि आपका रे ऐसे आ रहा है आफ्टर फोकस दिस वे, राइट, इसने रे को डाइवर्ज कर दिया, दूर कर दिया, दूर की तरफ मोड़ दिया, दैट इज बाय डाइवर्जिंग लेंस। इसने क्या किया, रे को अंदर की तरफ मोड़ दिया, कन्वर्ज कर दिया, दैट इज बाय कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर सर? दूसरा रे आप कौन सा यूज कर सकते हो, आइए फोकस करें सेकेंड रे पे, ये आपका वंस अगेन कन्वेक्स लेंस बेटा, ये कौन सी लाइन, ये कौन सा पॉइंट, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपका एक रे ऑप्टिकल सेंटर में से जो पास करता है इट गोज अनडेविएटेड, कोई स्टूडेंट बता सकता है क्यों? अश्विन व्हाई इट इज गोइंग अनडेविएटेड? फिर उसको ये मना थोड़ी किया कि डेविएट ना करे, हाँ जी ट्रांसपेरेंट है तो पेट लोगे फिर तो आपका रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, हाँ ट्रांसपेरेंट है तो उसको मुड़ना चाहिए, मीडियम बदल रहा है क्यों नहीं मुड़ रही रे, क्या प्रॉब्लम है उसे, आपको मौका देंगे बोलने का, चिंता मत करिए, थोड़ा सा ध्यान दो, एक मिनट वेट करिएगा। हाँ जी यस, दिस इज अ केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस है इसीलिए बेटे ये नहीं बेंड हो रही है, ठीक है, और ये आपका रे ऑप्टिकल सेंटर में से जा रहा है, इट गोज अनडेविएटेड, राइट बेटा, इनको साथ साथ ड्रॉ कर लेना है सबने एंड अकॉर्डिंगली मैनेज कर लीजिए साथ साथ, चलें आगे आप। हाँ जी बहुत बढ़िया, करते जाइए। तीसरा रे आप जो यूज कर सकते हो, ये आपके पास वंस अगेन कन्वेक्स लेंस के सेंटर से पास करती हुई लाइन, ऑप्टिकल सेंटर एफ एफ टू एफ टू एफ आप बना सकते हो। अगर कोई रे फोकस में से पास कर रही है ऐसे, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ऐसे चली जाएगी, अगर हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली बना लें अपना कंकेव लेंस बेटा, तो क्या होगा आइए देखें, ये आपका कंकेव लेंस थोड़ा ज्यादा थिक बन गया है, मोटा बन गया है, आप एडजस्ट करके ठीक कर लेना, और बच्चों देखो ये रे आ रही है, अब क्या करें इसको, हाँ अब क्या करें, ऐसी रे हम बनाना चाहते हैं ये बन नहीं रही है, क्या करें हम, जरा देखिएगा ध्यान से,
डियर चिल्ड्रन, इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, फोकस पे आ रही थी लेकिन वो डाइवर्ट कर गई, दूर चली गई। ठीक है जी, इनको रेज को इनमें से कोई दो रेज आप यूज कर सकते हैं, तीनों की जरूरत नहीं होती। या ये और ये तीनों में से एक यूज कर लो, ये और ये इन तीनों में से आप एक यूज कर सकते। दो, एक नहीं दो सर, आपको कम से कम दो रेज चाहिए होती इमेज फॉर्मेशन के लिए। एनी ऑफ दी थ्री टू कैन बी यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन द केस ऑफ द लेंसेज, मे बी कॉनकेव मे बी कन्वेक्स। चले यहाँ पे, अब मुश्किल तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, करने लगे इमेज फॉर्मेशन अभी करने लगे हैं। ये तो सिर्फ आपको बैकग्राउंड बताइए कि अगर इमेज आप बनाओगे ना किसी ऑब्जेक्ट का, आप इन तीनों में से कोई दो रेज ले लेंगे, ये बताया अभी आपको। ठीक है, समझ आ गई बात? चलें आगे, चलिए डन। हाँ जी बेटे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। लिखिए, नोट करते जाइए, साथ साथ यही कह रहा हूं मैं, काम करते जाइए। वेरी गुड। हाँ, कुछ कह रहे हो आप? चलो आगे चलें फिर बेटा। हाँ जी, चलें आगे, कम घुमाइए, ध्यान दीजिए। राइट डाउन द हेडिंग इमेज फॉर्म्ड इन द कन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्म कन्वेक्स लेंस में कैसे कैसे इमेजेस बनेंगे जब आपके ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे होंगे। जरा इनर्जेटिकली ड्रॉ कर लीजिएगा, आपने मिरर में बहुत ड्रॉ किए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जरा साथ साथ स्पीड अप करिएगा। ये आपका कन्वेक्स लेंस बेटा, ये आपके कौन से एक्सिस, बहुत नाइस। और ये देखिए आगे, ये इंफिनिटी से रेज आ रही है, आने दीजिए, आ रही है, लेट दीज कम, फोकस में से पास कर जाएंगी, एंड हेयर इज योर फाइनल इमेज फॉर्म। अच्छा ये बताइए, रियल है कि बस रियल? और फिर से बोलिए, आप बोलो, आप हाँ रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज, ठीक है जी, एट एफ। सीधा लिख देते हैं ना, फॉर्म्ड वाली बात रहने दो, फॉर्म्ड अपने आप आ जाएगा। सेकंड केस, हाँ जी, बहुत अच्छे, करते जाइए। रुक गया मैं, रुक गया जी, रुक गया बेटा, रुक गया, कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सेकंड केस में बेटे, जब हम अपना ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ रखेंगे तब हमारा इमेज कैसे बनेगा, आपको दिख रहा है यहां से बेटे, कंफर्टेबली दिख रहा है? इस केस में बेटे हमने अपना ये लाइन बनाया, इसको आप क्या बोला करते हो, मैंने बोल दिया ना वैसे अच्छे से, ठीक है। और आपने देखिए बियॉन्ड टू एफ अपना ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ, ये एफ ये टू एफ, ऑब्जेक्ट का नाम ए भी रख दें, राइट। ये आपका इंसिडेंट रे जा रहा है, जाने दीजिए, ये फोकस में से पास करेगा, लेट इट गो देन। ये सेकंड रे मैं ऑप्टिकल सेंटर में से पास करता हुआ ले लूं बेटा,
ये ऐसे चला गया, यहाँ पे दोनों रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं। थैंक यू बेटा, ये आपका ए डैश बी डैश इमेज बना जी। कैसा है ये? रियल इन्वर्टेड, स्मॉल इन साइज एंड बिटवीन एफ एंड टू एफ। वेरी नाइस, रियल इन्वर्टेड देन बेटा बिटवीन एफ एंड टू एफ एंड स्मॉल इन। यस हाँ जी, हाँ जी बेटे, हाँ जी, हाँ जी, तीसरा केस है। हाँ जी, हाँ जी, ऑब्जेक्ट एट टू एफ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एट टू एफ पे जब आप अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे तो इमेज कहाँ बनना चाहिए? टू एफ पे बन जाना चाहिए। वेरी नाइस, तो बना दीजिए फटाफट। इसमें क्या है? ये आपका बेटा कन्वेक्स लेंस हो गया जी। ये आपके लाइन को क्या कहते हैं? वेरी नाइस। और ये आपका सारा एडजस्टमेंट हो गया। यहां पे हमने क्या रखा, क्या कहते हैं इसको, ए बी को की बात है। बिल्कुल ठीक कहा। एंड लेट दिस गो एज सच। ये ओके, ये रेस एफ टू एफ पे मिल रही है असल में, ए डैश बी डैश। ये इमेज कैसा बना? रियल इन्वर्टेड सेम साइज एंड एट गुड। चौथा पॉइंट। हाँ जी, हाँ जी, आराम से करिए, कोई बात नहीं, हमें जल्दी नहीं करना, आराम से करेंगे। ओके, एफ एंड दो पहले इसके बीच में भी रखेंगे, एफ एंड टू एफ। यस, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड टू एफ। लेट्स गो देन बेटा। ये आपका कन्वेक्स लेंस हो गया जी। ये लाइन को क्या कहते हैं? मैं भूल गया, जरा दोबारा बोलिएगा। बिल्कुल ठीक। ये एफ आपका, ये टू एफ, ये एफ, ये टू एफ, एंड हेयर लाइज योर ऑब्जेक्ट ए बी। और क्या करें अब? फोकस से पास करवा दें। ये लीजिए जी, चला गया फोकस में से। और आगे आगे क्या करें? हाँ जी, वो से चले जाएं। ये लीजिए चले गए, ये चले गए, ठीक। ये क्या बना, क्या कहते हैं इसको? इन्वर्टेड मैग्नीफाइड एंड बियॉन्ड टू एफ। मिरर नहीं भाई, बियॉन्ड टू एफ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बियॉन्ड टू एफ बेटा, नाइस। चौथे केस के बाद फिफ्थ सिचुएशन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, आराम से करिए, हो जाएगा, बता देना तब मैं बनाऊंगा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, बना लीजिए आराम से, बना लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
हाँ जी, 6 इसमें भी बड़ा है साइज में, इसीलिए मैग्नीफाइड है ना, आपको देखो इससे बड़ा लग रहा है ना ये, तो दैट इज व्हाई मैग्नीफाइड। चले बेटे आगे हो गया, तो क्या कहते हो? चलिए जी, चलिए फिर आगे। फिफ्थ केस में ना कौन सा है? ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ, कहना है ओ एंड एफ, नहीं भाई ये आपका कौन सा लेंस है? ये इस लाइन को क्या कहते हो? और ये पॉइंट, और ये, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, आपको सब आता है। आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है अब? नहीं, पहले एफ पे रख लें भाई, एट एफ तो कर लें, ठीक है, नहीं तो केस रह जाएगा एक हमारा। आपने हेडिंग लिखा लिखा रहने दो, अगला उसमें कर लेते हैं ना। ये आपका फोकस पे ऑब्जेक्ट आ गया जी, ए भी नाम रखें इसका। ये रे क्या कहलाता है? इंसिडेंट रे, प्रिंसिपल एक्सेस नहीं, हर बार नहीं भाई। ये आ गया ऐसे, और देखिए देखिए अब क्या हो रहा है, जाने दें जाने दें, ये लीजिए जाने देते हैं हमें, हमें इसमें क्या है, इधर भी नहीं मिला कहीं, इधर भी नहीं मिला। इमेज इज एट इंफिनिटी, बहुत बढ़िया, एट इंफिनिटी हाईली मैग्नीफाइड, एंड देन रियल तो है ही है, इन्वर्टेड भी है ही है। समझ आ गई बात सारे बच्चों को? कोई मुश्किल तो नहीं? फिजिक्स आसान है, गुड। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ओ, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ये आपका कौन सा लेंस? ये लाइन को क्या कहोगे? चलिए अब आगे मैं करता हूं, आप देखिए। ये आ गया जी, यहां पे हमने अपना रखा ऑब्जेक्ट ए बी, जो रे पैरेलल जा रही है, इसको किधर से पास करवाएं? चली गई एक रे, आपने ओ में से पास करवा दी, अनडिविएटेड चली गई। इनको रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, ये लग रहा है मिल रही हैं, ये इमेज कैसा बना और क्या इसकी खास बात है? वर्चुअल इरेक्ट भी है ना, मैग्नीफाइड एंड ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड, राइट। चलिए आगे चलें, रुक जाते हैं, कोई बात नहीं, आप आराम से कर लो। नहीं नहीं भाई, तेज क्यों जाना, हमने आराम से चलेंगे, ठीक है। हाँ जी, क्या ठीक कह रही है ये, थोड़ी शरारती है बट। हमेशा ही ठीक कहती है ना। मेरा मतलब था पूरा कर लेगा ना, और तो कुछ नहीं है बेटा। दो ही केसेस हैं बेटे कंकेव के, तो सर हो जाएंगे ना आपसे। चलें जी फिर। यस सर। हाँ जी, इधर आ जाइए, कंकेव लेंस नैना, ऑब्जेक्ट कहाँ पहले माने, कहाँ पे है? वेर इज नैना? इसी क्लास में है, सर।
हाँ बैठी तो है, आप कह रहे नहीं है। यस बेटा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे ले लेना ना, कह रही है। ऑब्जेक्ट आपने लिया जी इंफिनिटी पे। ओके बेटे देखो, अगर मैं तो बेटे बच्चों के साथ ही चलता हूं ना, ये फोकस ये ट्वाइस है, ये फोकस ये ट्वाइस है। अब आगे क्या करें, डाइवर्जिंग लेंस है आपका, डाइवर्ज करवा दूं ऐसे, कराना पड़ेगा। ये लीजिए, आपको लग रहा है कि फोकस पे रेज मीट कर रही है। इमेज कैसा है, वर्चुअल, पॉइंट साइज, इरेक्ट और एट फोकस, ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, आराम से करो आप। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट को नियर ले लेते हैं लेंस के, चलिए जी आराम से कर रहे हो सारा काम, करते जाओ करते जाओ। आपका कौन सा लेंस, नियर द लेंस बेटी, लास्ट केस है, ड्रॉ करके जाइएगा, ऐसे नहीं जाइएगा। ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 2F, फोकस N2F, और यहां रख दो ए बी, पैरेलल जा रहा है, आपको लगेगा फोकस में से आ रहा है, ठीक है। और दूसरा ओ में से पास करवाएं, जाने दीजिए ओ में से, फिर इसको यहां पे ये दोनों रेस मिल रही लगती हैं। ए डैश बी डैश इमेज बना, ये वर्चुअल है, डायरेक्ट भी है, स्मॉल भी है, सेम साइज पे भी है। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू ऑल। ये बेटे कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी फिर कल करते हैं। थैंक यू।